दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोचक फैक्ट्स 003 में। आज हम आपको एक ऐसे झरने के बारे में बताने जा रहे हैं जहां से आग निकलती है। यह झरना 1560 फीट ऊंचे पहाड़ से गिरता है और इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यह कैलिफोर्निया के योसेमिटी नेशनल पार्क में है। यह 1560 फीट ऊंचे कैप्टन माउंटेन से गिरता है। आग के इस झरने को फायर फॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब ही होता है आग का झरना। इसकी तस्वीरें क्लिक करके, इसकी तस्वीरें उतार कर लोग अपने साथ ले जाते हैं। वहीं इस झरने में फरवरी के आखिरी हफ्ते में अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। वैसे आपको बता दें कि यह आग नहीं बल्कि पानी ही है। जी हाँ, होता यह है कि सूर्यास्त के आसपास यह झरना इस तरह से रंग बदलने लग जाता है। इसी के साथ सूर्यास्त पहाड़ी की दूसरी ओर होता है, इसका मतलब है कि बिल्कुल पीछे, जिससे इसकी रोशनी में पानी में बिखर जाती है और पानी में ऐसा दिखाई देता है मानो आग की लपटें गिर रही। जनवरी और फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा लोग इस जगह पर आना पसंद करते हैं। सभी तरफ बर्फ से घिरे कैलिफोर्निया की इस जगह पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। रात के वक्त तो यह नज़ारा और भी सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।